हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट एसएस स्टैंडर्ड 6th। ओके, स्टैंडर्ड 6th में हमारा लेसन नंबर 11 लैंडफॉर्म्स हमें करना है जियोग्राफी का। ओके, सो हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में पेज नंबर 63 में। मूवमेंट टेक प्लेस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओवर टाइम। मूवमेंट जो है ना टेक प्लेस लेता है क्रस्ट ऑफ द अर्थ के क्रस्ट में ओवर टाइम। मूवमेंट मैक्स एंड चेंज द लैंड फॉर्म्स बनाना। मूवमेंट जो है वो मैकिंग और चेंजेस करता है लैंड फॉर्म्स को। वी फाइंड सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू द इंसिडेंट्स के थ्रू लाइक शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक वोल्केनो सुनामी। दिस मूवमेंट समय कहीं पे क्रिएट करते हैं माउंटेन प्लेट्यू एंड फोल्ड वैली। इन एडिशन में टू दिस इरोजन एंड डिपोजिशन अकर होता है ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस के जैसे लाइक रिवर ग्लेशियर विंड सी वेव्स आर सच विच क्रिएट करते हैं एलुवियल प्लेन्स वैली एंड गॉर्जियस। ठीक है, व्हेन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सरफेस हाई स्लोप एंड शेप इज कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं लैंडफॉर्म कहते हैं। मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के हैं कि लैंडफॉर्म आर रिकॉग्नाइज बाय वेरियस नेम जैसे कि माउंटेन प्लेट्यू प्लेन एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन। माउंटेन के बारे में हम करेंगे। एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर से ऊपर हो, हाइट अबव द सी लेवल से हो, विद जेंटल और एब्रप्ट स्लोप हो जिसे क्या कहते हैं माउंटेन। माउंटेन का फॉर्म हुआ क्रस्ट अर्थ में ड्यू टू एक्शन रिएक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड फिजिकल फोर्सेस के साथ लाइक जैसे कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इम्पैक्ट ऑफ मोर देन वन मल्टीपल एक्शन एंड फोर्सेज देखने मिले सीन इन ओरिजिनेशन में हुआ एंड डेवलपमेंट हुआ माउंटेन का। दैट इज वाई क्यों इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट है माउंटेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर से क्या है डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन है देखो माउंटेन का फोल्ड ब्लॉक वॉल्केनिक एंड रेसिडुअल माउंटेन। फोल्ड माउंटेन तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव डिपॉजिटेड है ना वो सेंडिमेंट एट द बॉटम ऑफ सी के बॉटम में और है लेक क्रिएट करता है फोल्ड ड्यू टू द प्रेशर्स विच कम्स फ्रॉम बोथ साइड से एंड आफ्टर देन क्या हुआ इट्स अपर पार्ट उसका टर्न होता है एज अ पीक में एंड लोअर पार्ट टर्न होता है वैली में। फॉर्म कैन बी सीन हम देख सकते हैं हिमालय एशिया का आंसेंट यूरोप का रॉकी नॉर्थ अमेरिका एंड एंसेंट साउथ अमेरिका का मेन फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड के। ब्लॉक माउंटेन तो देखो ड्यू टू जियोलॉजिकल फोर्सेस पुलिंग करना फोर्स को अप्लाई ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ के पदार्थ के सर्फेस के ऊपर देन क्रैक करना फॉर्म क्रैक फॉर्म होता है। ऐसे रिजल्ट सराउंडिंग आसपास का जो एरिया है सबमर्ज हो जाता है एंड सेंट्रल पार्ट रिमेन स्टेबल रहता है फॉर्मिंग अ ब्लॉक माउंटेन बनता है। गॉर्जियस आर फॉर्म इन लोअर एरिया वर्स्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी का बेस्ट एग्जाम्पल है। Therefore, such mountain also called Horst Mountain, Nilgiris, Satpura, Vindhyachal Mountain, India. ये सब उसके ब्लॉक माउंटेन के क्या है एग्जाम्पल है। देन है वॉल्केनिक माउंटेन। एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन की लाइन मटेरियल विच इज थ्रोन और नीचे गिरता है इज डिपोजिटेड इन द शेप ऑफ कॉन में से क्या कहते हैं वॉल्केनिक। फ्यूजियामा जापान का वेसुवियस इटाली पोटोपेक्सी एसुडेटर एंड बैरन अंडमान का पावागढ़ गिरना ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक का। रेसिडुअल माउंटेन फॉर्म हुआ है फ्रॉम द रेसिड्यू विच विथस्टैंड अगेंस्ट उसके साथ नेचुरल फोर्स ऑफ इरोजन का होता है। सॉफ्ट रॉक का इरोडेट एंड स्वेप्ट अवे सिंस थाउजेंड ऑफ इयर्स एंड द सोइल का फॉर्म हुआ है फ्रॉम सॉलिड रॉक सस्टेन एज अ हाईलैंड इट इज ओनली कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। अरावली नीलगिरी पारसनाथ राजमहल एंड ईस्टर्न गार्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। इम्पोर्टेंस माउंटेन के देखो माउंटेन सर्व द पर्पज ऑफ बॉर्डर एंड अ वॉल ऑफ एनी कंट्री की और रीजन एंड प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है ऑफ 110 किलोमीटर एंड नाइट्रोजन आफ्टर द एफेक्ट मैटली एक मिनट 1 सेकेंड
क्या होता है 110 किलोमीटर, देन होता है अप फ्रॉम होल्डेड वेव्स हेल्पिंग ब्रिंगिंग मोर देन बाय स्टॉपिंग मॉस्विंग्स माउंटेन आर प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिवर्स का ऑरिजिन है। फर्टाइल प्लेन्स जो है ना वो कंस्ट्रक्टेड हुए हैं बाय द रिवर के थ्रू, फ्लोइंग थ्रू देम, उसमें फ्लोइंग हुआ है रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हेवी रेनफॉल रीजन स्नो कवर रीजन वर्क इज द वॉटर स्टोरेज नेसेसरी जनरेशन। ठीक है, देन है हमारा प्लेन, क्या है लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर सी लेवल से ऊपर हो, वाइड हो, फ्लैट सरफेस हो, टॉप फ्रॉम द टॉप मेजर, जिसे क्या कहते हैं प्लेटू, क्लासिफिकेशन है प्लेटू का इंटर माउंटेन प्लेटू, पेडमोंट प्लेटू एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटू। इंटर माउंटेन का देखो एनी पार्ट ऑफ लैंड का विच इज फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड, पूरा या आधा सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंज है ऑल ओवर फोर साइड, जैसे इंटर माउंटेन प्लेटू, प्लेटू तिब्बत का प्लेटू मंगोलिया एग्जाम्पल है। पिडमोंट तो रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप है ऑन वन साइड इन द फुट ऑफ माउंटेन कॉल पिडमोंट प्लेटू कहते हैं। पेंटागोनिया साउथ अमेरिका पिडमोंट यूएस मालवा प्लेटू इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल है पिडमोंट प्लेटू का। ठीक है, देन हम करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेटू, क्या है कॉन्टिनेंटल, चलो हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल के बारे में। एंड एलिवेटेड लैंड पार्ट ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा ऑन अ बिग हाई एंड क्रिएट कॉन्टिनेंटल प्लेटू होता है। लेवन एक हाई लैंड प्लेटू महाराष्ट्र में है, प्लेटू ब्राजील, प्लेटू ऑफ अरबिस्तान स्पेन ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका, ये एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल। इम्पोर्टेंस प्लेटू का देख लो, द लेविक सॉइल ऑफ प्लेटू फर्टाइल है, इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर कॉटन क्रॉप के लिए, प्रीसियस मिनरल जैसे कि आयरन मैगनीज गोल्ड फाउंड होते हैं इनसाइड सॉलिड रॉक में से प्लेटू के, एग्जाम्पल जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया का स्लॉप ऑफ दिस प्लेटू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रेयरिंग एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। प्लेन है लेवल लैंड और फ्लैट लैंड, लैंड की जो लेवल है और फ्लैट लैंड है एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर से कम अबव द सी लेवल से, जिसे प्लेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ प्लेन इन द वर्ल्ड आर फॉर्म बाय द एलिवियल सॉइल डिपोजिटेड बाय द रिवर में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम रिवर सम ऑफ द प्लेन ऑल्सो फॉर्म विंड वॉल्केनो और ग्लेशियर्स। प्लेन का क्लासिफिकेशन कोस्टल प्लेन इरोजनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। प्लेन कोस्टल प्लेन तो सच प्लेन मेनली फॉर्म नियर द सी शोर के आसपास में, वेन द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द लैंड का नियर सी शोर में अपलिफ्टेड होता है जियोलॉजिकल मूवमेंट से, दिस प्लेन फॉर्म हुआ है, सच प्लेन नॉन स्ट्रक्चरल प्लेन कहलाते हैं। ये प्लेन ऑफन फॉर्म कोस्टल रीजन में, प्लेन सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्प्रेड अप टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन का। इरोजन विच अकर इन द बॉटम ऑफ प्लेन क्रिएट सच प्लेन, प्लेन इन द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म हुआ है इन द सेम मैनर सेम तरीके से। देन हम देखेंगे इरोजनल प्लेन, क्या है इरोजनल प्लेन, प्रोसेस ऑफ इरोजन गोज ऑन कंटिन्यूअसली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर द लॉन्ग रन ऑफ टाइम। प्रोसेस जो इरोजन की है कंटिन्यूअसली सरफेस ऑफ द अर्थ में लॉन्ग ऑफ टाइम, सच प्लेन फॉर्म ड्यू टू द इरोजन की वजह से विच अकर इन जो माउंटेन में प्लेटू बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि रिवर विंड और ग्लेशियर्स। ये प्लेन नॉट कम्प्लीटली फ्लैट है बट दे आर सीन बिटवीन हिल्स ऑफ सॉलिड रॉक्स के बीच में,
प्लेन्स ऑफ कैनेडा वेस्टर्न सिबेरिया फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ इरोजन प्लेन बिल्ट बाय इरोजन कॉल्ड पैनल प्लेन डिपोजिशन प्लेन दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म हुआ बिकॉज एल्यूवियम डिपोजिटेड हुआ बाय रिवर्स ग्लेशियर स्प्रिंग एक्सेट्रा लेक और सी में ये प्लेन बेसिकली डिपोजिशन प्लेन ऑल्सो कॉल्ड रिवर रेन प्लेन रिवर प्लेन ऑफ गंगा यमुना इंडिया का यांगपो प्लेन इन नॉर्थ चाइना का लोम्बार्डी प्लेन फॉर्म हुआ बाय पियो रिवर इन इटाली में यूनिक एग्जाम्पल है एलिवियल प्लेन का वेन प्लेन फॉर्म विथ द डिपोजिशन एलिवियल इन द लेक्स देन दे आर कॉल्ड लेक फील्ड कहलाते हैं कश्मीरी वैली इज एन एग्जाम्पल है लेक फील्ड इंडिया में इम्पोर्टेंस है प्लेन का देख लो प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड है वो कॉमर्स स्टेब्लिश हुआ है फर्टाइल लैंड है फ्लैट प्लेन है प्रूव मोर यूजफुल है फॉर रोड रूट्स एंड रेल रूट्स के लिए सिटीज हैविंग डेंस पॉपुलेशन होती है सिचुएटेड इन दिस प्लेन में फर्टाइल लैंड मोर यूजफुल हुई है फॉर फार्म प्रोडक्शन में फार्म प्रोड्यूस करता है सप्लाई करता है रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री के लिए ओके देन में हम देखेंगे बीए बाय बे बेग ये सब हम देखेंगे ठीक है सो हम देखते हैं बे तो यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशियन का वाटर इज कॉल्ड बे यूजुअली पार्ट ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड बे दे टेक शेप वो शेप लेता है लाइक ह्यूज बड़ा वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड के आसपास में द बेस कैन बी लार्ज हो सकता है स्मॉल हो सकता है साइज में बे ऑफ बंगाल इंडिया का फर्स्ट एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल है इसका गव वैन वॉटरी एरिया इज सराउंडेड बाई द लैंड फ्रॉम दिस थ्री साइड में इट इज कॉल्ड गव कहते हैं गव ऑफ खंबा एंड गव ऑफ कच्छ फेमस है कैप तो कैप इज परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड का एंड एक्सटेंड बढ़ गया है वॉटर बॉडी में इट ऑल्सो कैन बी नॉन एज सी लाइन कहते हैं एग्जाम्पल है कन्याकुमारी और कैप ऑफ गुड हॉप आईलैंड पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वॉटर आस पास है ऑल साइड से आईलैंड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप अंडमान निकोबार शंखोद्वार यानी बेट द्वारका पिराम बेट शालबेट वैली तो लो लाइंग रीजन अमंग द माउंटेन रेंज में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन के एंड ब्लॉक माउंटेन इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग ऑफ रिवर्स और ग्लेशियर में ऐसा रिजल्ट वैलीज आर क्रिएट होती हैं एग्जाम्पल कश्मीर की वैली स्ट्रेट नैरो पीस ऑफ सी का जॉइंट टू लार्जर वाटर एरिया को जिसे स्ट्रेट कहते हैं एग्जाम्पल है पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया और श्रीलंका इस्थमोस नैरो पीस हैं लैंड का सेपरेट हुआ टू वाटर एरिया में जिसे इस्थमोस एग्जाम्पल है पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पेनिनसुला तो देखो पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड एंड कनेक्टेड विथ लैंड ऑन वन इज कॉल्ड पेनिनसुला आसपास में सी हो थ्री साइड और एक साइड लैंड से हो जिसे पेनिनसुला जिसकी साउथ इंडिया और सौराष्ट्र ओके आपका ये लेसन 11 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है देन हम वर्कबुक में देख लेंगे एक बार तो टेक आउट योर वर्कबुक लेसन 11 एमसीक्यू हम कर लेते हैं ओके माउंट सातपुड़ा ऑफ इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ माउंटेन तो पी ब्लॉक माउंटेन लैंड एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन इज ऑल साइड इज कॉल्ड ए एन इंटर माउंटेन प्लेट फ्लैट एंड लैंड मास हैविंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली अप टू 180 हाई अबव सी लेवल माउंट टू प्लेन इज अ डैश टाइप ऑफ प्लेन तो डिपोजिशन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस माउंटेन आर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइप तो फोर विच आर द फॉलोइंग इज अ फोर माउंटेन तो एल्प्स Which of following is a fold mountain? Himalayas. Which of following is a fold mountain? The Rocky. Which continent is fold mountain name? Mount Etna located
साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। देन हम देखेंगे मैं माउंट होस्ट ऑफ जर्मनी, इस माउंटेन बीच टाइप का ब्लॉक माउंटेन। विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्लॉक माउंटेन? हॉर्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्लॉक माउंटेन? वेल में नीलगिरी। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन? विंध्या। विच ऑफ फॉलोइंग इज वॉल्केनिक माउंटेन? द वेसुविस। ओके देन नेक्स्ट हम देखेंगे हम 20 तक कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज वॉल्केनिक माउंटेन? फिजेमा। विच टाइप ऑफ माउंटेन? माउंट कॉक्सी वॉल्केनिक माउंटेन। विच टाइप ऑफ माउंटेन? बेरेन वॉल्केनिक माउंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक माउंटेन? पावागढ़। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक माउंटेन? गिरी। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेसिडेंट माउंटेन? तो इसमें आएगा आपका ए अरवल। ओके 20 तक हमारा एमसीक्यू कंप्लीट है। आपको ये होमवर्क में मिल गया है, पीडीएफ आ गया है। ठीक है, थैंक यू।